हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को हमेशा अव्वल देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या प्रदेश में अन्य विकास। मनोहर सरकार इसके लिए दिन रात बड़े फैसले ले रही है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा के क्षेत्र में पैसे की कमी से पढ़ाई पूरी न करने वाले छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को ही स्थायी वित्त समिति सी की बैठक में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई, सोनीपत के भवन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपने वायदे को पूरा करते हुए गरीब बच्चों की फीस वहन करने का जिम्मा उठाया, जिसमें स्थायी वित्त समिति सी में 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में अनुदान किए, 50 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के रूप में शामिल हैं, खेल विश्वविद्यालय के लिए कुल 630 करोड़ के बजट का प्रस्ताव, 254 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, साल 2023-24 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, साल 2024-25 में 230 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, साल 2025-26 में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, साल 2026-27 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान में PhD, MSc, BSc के नियमित कोर्स होंगे, जिसमें 50 सीट पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स का प्रस्ताव रखा है। 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स का प्रस्ताव, MSc की 20 सीटें होंगी, BSc की 50 सीटें होंगी, PhD की 5 सीटें होंगी। वही हरियाणा सरकार ने युवा सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक तौर पर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में कम पैसे में कोर्स करवाने का दावा किया है। मनोहर सरकार की सोच रही है कि पैसे की कमी से हरियाणा के किसी भी छात्र का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।